हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास टेंथ का रियल नंबर एक्सरसाइज का। ये 1.2 है और इसमें हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियोस को लास्ट तक देखें और स्किप ना करें बिल्कुल, क्योंकि जो भी फार्मूला अप्लाई होगा या जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी फार्मूलाज वगैरह है या एक्सप्लेनेशन है वो सब क्वेश्चन वाइज करेंगे, तो इसलिए आप वीडियोज़ को ध्यान से देखें, पूरा देखें। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो कॉपी और पेन लेकर के बैठें, वीडियो को पॉज करें। जब हम एक क्वेश्चन समझा दे रहे हैं तो उस क्वेश्चन को देख करके आप समझ गए तो फिर वीडियो को पॉज करके बाकी जितने क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को बनाएं, फिर वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज से प्ले करें, फिर प्ले करने के बाद से फिर दूसरे क्वेश्चन को समझें और समझने के बाद से उस टाइप्स के जितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और इस तरह से ही आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इन सारे नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर पहले समझ लेते हैं क्या होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे करके हम आपको प्राइम फैक्टर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि 24 ले लेते हैं, 24 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। अगर 24 को हम चाहें तो 12 × 2 भी लिख सकते हैं, 24 को हम 8 × 3 भी लिख सकते हैं, इस 24 को हम चाहें तो 4 × 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी हम लिख रहे हैं ये इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो इसलिए 24 का जो सबसे छोटा यानी इसको भी तोड़ा जा सकता है। मे बी ये अगर 2 और 2 में टूट जाता है, ये 3 और 2 में टूट जाएगा, ये और 2 × 2 × 2 में टूटेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जितने भी नंबर्स हम लिए हुए हैं ये सारे नंबर्स और छोटे होते जा रहे हैं। तो हम 24 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको एक स्मॉलेस्ट नंबर से कटाएंगे, तो 1 से तो सब कट जाता है, तो 1 को छोड़ करके 2 से लेके जाएंगे, 2 से 12 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 से 6 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 से 3 टाइम्स हो जाएगा और 3 से 1 टाइम्स हो जाएगा। यानी 24 को प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 4 4 × 8 8 × 3 = 24। ये हुआ इसका प्राइम फैक्टर, मतलब इसको अब और छोटा नहीं किया जा सकता है, नहीं ये 2 छोटा हो सकता है, नहीं ये 2, नहीं ये 2 और नहीं ये 3, बिकॉज 2 और 3 ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 और अपने आप से कटते हैं। जैसे 3 है तो 3 जो है 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, 2 जो है वो 1 से डिवाइड होगा नहीं तो 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जो भी नंबर दिया हुआ है ऐसे ही हमको जो है प्राइम फैक्टर निकालना है, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद से हम लोगों को क्या करना है, उसे एज ए प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। तो चलिए 140 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। 140 और इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 70 टाइम्स में जाएगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा हमारा 35 टाइम्स में, अब ये 2 से नहीं जाएगा तो हम लोग इसे 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से 7 टाइम्स में जाएगा और 7 से 1 टाइम्स में जाएगा। मतलब ओवरऑल 140 का प्राइम फैक्टराइज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 2 × 5 × 7 ये हमारा आंसर होगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं, ये बाकी के 3-4 क्वेश्चन हैं, ये चारों क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले हम इधर फार्मूला लिखते हैं, अगर दो नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही आता है। एक छोटे से सवाल पे हम लोग इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए 20 और 30 का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, 20 और 30 का जो है एलसीएम इधर निकाल देते हैं और एचसीएफ इधर निकाल देते हैं। जब 20 और 30 का एलसीएम आप निकालिएगा, तो चलिए 20 और 30 का एलसीएम हम निकाल रहे हैं,
फिर से 15 टाइम्स हो जाएगा, टू से ये जाएगा अब 5 से, 5 से 2 टाइम्स हो जाएगा और 5 से 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी ओवरऑल LCM इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 5 जै 10, 10 2 जै 20, 20 3 जै 60, ओवरऑल 60 हमारा LCM हो गया। अब SCF हम अगर निकालते हैं तो 20 और 30 का SCF जब हम निकालेंगे, 20 1 जै 20, रिमाइंडर 10, और फिर ये यहाँ पे 20 आएगा और 10 2 जै 20 कट गया, यानी यहाँ पर LCM आया हमारा 60 और SCF आया हमारा 20। अब ये करना ये है कि ये जो फार्मूला है, अब देखिए अब ये दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उतना ही आएगा जितना ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट नंबर हमारा 20 है, सेकंड नंबर 30 है, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट नंबर यानी 20 इंटू सेकेंड नंबर यानी 30, ये जो होगा वो उतना ही होगा जितना LCM को SCF से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर SCF हम गलती से लिख दिए, यहाँ पर SCF 10 होगा, और ये आया हमारा 600, प्रोडक्ट आया 600, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा 600 आया, और प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF, यानी ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू आया 600, और यहाँ हमारा जो होगा LCM इंटू SCF इज इक्वल टू, ये देखते हैं कितना आता है, LCM हमारा आ गया 60 और इंटू 10, ये ओवरऑल 60 आएगा। आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को हम मल्टीप्लाई जब किए हैं तो भी हमारा 600 आया है, और LCM को SCF से जब मल्टीप्लाई किए हैं, गुना किए हैं, तो भी हमारा प्रोडक्ट 600 होगा, ये 600 ही आया हुआ है। तो इस तरह से आप जब भी कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर का जब हम LCM निकालेंगे, फिर SCF निकालेंगे, और फिर LCM SCF निकालने के बाद से जो है दोनों को जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो उतना ही आएगा जितना दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा। तो चलिए इसके बाद से हम इसको एक क्वेश्चन को बनाते हैं, इस क्वेश्चन का ऐसे ही हम लोग LCM और SCF निकालेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग LCM निकाल लेते हैं, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। LCM हमारा निकालना है 26 और 91 का LCM निकालना है, तो चलिए ये 13 से डिवाइड होगा, 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91, यानी 13 2 26 और 13 7 91। अब इसके बाद से ये नहीं कटेगा तो हम लोग यहीं LCM हमारा LCM यहीं हो जाएगा 13 × 2 × 7। अब हमारा LCM हो गया, इसको हम गुना करेंगे तो 13 2 26 और 26 में 7 से गुना करेंगे तो 6 7 जा 42, 2 carry out 4 यानी 642 का 2 हासिल 4 और 2 7 14 4 18, तो ये हमारा हो जाएगा इतना, 6 2 12 का 2 हासिल 1, 6 7 42 का 2 हासिल 4 और 2 7 14 4 18, ये हमारा LCM हो जाएगा 182। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर SCF निकालेंगे, इसी दो नंबर्स के SCF निकालेंगे और देखेंगे SCF हमारा कितना आ रहा है। तो इधर हम लोग LCM निकाल दिए, अब यहाँ हम लोग इसी दो नंबर के SCF निकालेंगे, तो चलिए SCF निकालते हैं। SCF के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 26 से डिवाइड करेंगे 91 को, यानी ये 3 बार में जाएगा, 26 3 का 78, 11 में से 8 गया 3, और ये इसको दिया 8 है, 8 में से 7 गया 1। अब इसके बाद से हम यहाँ पर लाएंगे 26 को, 13 2 26 और ये ओवरऑल पूरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 होता है वहाँ जो हमारा डिवाइडर होता है यानी जिसे भाग दिए होते हैं, भाजक जो होता है वहीं हमारा SCF होता है, यानी ओवरऑल SCF आ गया हमारा 13। अब हमें इसको वेरीफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक तरफ लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और एक तरफ लिखेंगे इज इक्वल टू LCM इंटू HCF।
हमारा एलसीएम आया है 13, इसको याद रखिए 13 हमारा एलसीएम आया है, एचसीएफ आया है 13, यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा है 26 × 91 और एलसीएम हमारा आया है 182 और इनटू एचसीएफ आया है 13। अब दोनों का जब प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो दोनों के प्रोडक्ट निकालने से आप जब 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 91 में तो आएगा आपका 2366 और फिर 182 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 में तो ये भी आएगा आपका 2366। और इस तरह से जब दोनों नीचे इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS या दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष सत्यापित। इसको वेरीफाई भी करना था, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ वेरीफाई भी करना है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। चलिए बाकी इसमें हमने ये क्वेश्चन समझा दिया और ये दोनों क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करें और अच्छा होगा कि आप इसके साथ कोई एडिशनल प्रैक्टिस बुक भी ले लें। NCERT के साथ साथ आप भारती भवन का ले सकते हैं, RD शर्मा का ले सकते हैं, तो आप जो भी लेना है उसमें प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भारती भवन से करें, उसमें अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाता है, टाइम भी आपका ज़्यादा नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन सारे क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन ये सवाल में दिए गए हैं इसका हमें LCM और SCF निकालना है और इसमें मेंशन है तो हमें LCM और SCF को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए ही निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस साइड LCM निकालेंगे और इस साइड हम लोग SCF निकाल लेंगे और मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ही रहेगा। पहले सवाल को ही बनाते हैं। 12, 15 और 21। तो पहले हम लोग 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से जाएगा 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में और 3 से 1 टाइम्स में, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ होगा 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 1। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 15 का भी निकालेंगे तो 3 से जाएगा 5 टाइम्स में, 5 से जाएगा 1 टाइम्स में, यहाँ लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 3 × 5 × 1। फिर हम लोग 21 का फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 से जाएगा 7 टाइम्स में और फिर 7 से जाएगा 1 टाइम्स में, यानी हम 21 का फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर 3 × 7 × 1। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें हमें सबको पावर नोटिफिकेशन के फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पर हमें देखना है कि 2 का पावर 2 हो गया इंटू 3 का पावर 1 × 1 का पावर 1 आया, फिर यहाँ पर हमारा जो है 3 का पावर 1 × 5 का पावर 1 × 1 का पावर 1, फिर यहाँ हमारा आया 3 का पावर 1 × 7 का पावर 1 × 1 का पावर 1। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो कॉमन कौन सा है। सबसे पहले हमारा तीनों में 3 कॉमन है तो हम लोग LCM निकालते हैं तो जो भी कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, यानी 2 लिखेंगे और 3 कॉमन है तो 3 का मिनिमम पावर 1 होगा, इंटू 7 है और इंटू 1 है तो ये हमारा 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, 3 का 1 है और 7 का 1 और 1 का 1 है। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 × 7 × 1 यानी ओवरऑल आएगा 84, 5 भी है इसमें जो छूट रहा है और तो इसलिए हम इसको 5 को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, 84 आ रहा है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ओवरऑल हमारा 84 में 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद से हमारा आ जाएगा 5 × 20 = 0, 8 × 5 = 40 और 42 यानी 420। ये 420 आ गया हमारा LCM।
अब हम लोग क्या करेंगे, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हम लोग सबका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं और सबको पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। पावर फॉर्म में लिखने के बाद से क्या करेंगे, जो जितने भी होंगे नंबर, जितनी टाइप्स के नंबर आते हैं, उन सारे नंबर्स को हम लोग लिख देते हैं पावर नोटिफिकेशन में। और क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है उसका पावर हम लोग कॉमन पावर में लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए 3 है, तो 3 को हम लोग 1 टाइम्स लिखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख देंगे। अगर मैक्सिमम पावर 2 है, 2 का तो 2 ही लिखा जाएगा। और इस तरह से हमारा LCM 420 आया। SCF निकालने के लिए हम लोग सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, यानी 12 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 1, फिर हमारा है 15 इज इक्वल टू लिखेंगे 3 × 5 × 1, और ये हमारा है 21 इज इक्वल टू 3 × 7 × 1। अब अगर हम लोग देखें तो इस तीनों में कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है और 1 है, यानी अगर इसको हम लिखें तो इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 1 × 1, इसको हम लिखेंगे 3 × 5 × 1 × 1 × 1, इसको लिखेंगे 3 × 7 × 1 × 1। अब इसमें जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी एक 3 है और एक 1 है, तो ये जो कॉमन फैक्टर होगा उसी का जो पावर होगा, कॉमन फैक्टर का जो पावर है, मैक्सिमम पावर, कॉमन फैक्टर का मैक्सिमम पावर 1 और यहाँ कॉमन फैक्टर का मैक्सिमम पावर 1, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 1 = 3। यानी इस क्वेश्चन का जो है हमारा SCF जो होगा वो आ जाएगा 3। इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चन को आप अप्लाई करें, बनाएं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देख, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो पहले हम लोग इनको लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू दिया हुआ है 306, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू दिया हुआ है 675, उसके साथ साथ हमें इन दोनों नंबर्स का SCF दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी SCF इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। और हम जानते हैं क्योंकि हमारा फार्मूला होता है LCM × HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और हमें फाइंड आउट करना है LCM। इस क्वेश्चन में हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें LCM नहीं दिया हुआ है, तो LCM को LCM रहने देंगे। इंटू HCF हमारा 9 है, इज इक्वल टू 306 फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर है 657। दोनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाइड फॉर्म में, इधर जाकर डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, यानी इधर गुना में उधर भाग में हो जाएगा। तो 306 × 657 और डिवाइडेड बाई 9, ये दोनों, ये 9 से कट जाएगा, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36। अब हम लोग क्या करेंगे, 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 34 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 657 में, तो हमारा रिजल्ट आता है 2, 2, 3, 3 और 8। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 के पावर n होगा, मिस्टेकली यहाँ पर लिखा गया है 6n, तो यहाँ होगा 6 का पावर n। कैन वी एंड विथ द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर फॉर n, यानी यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 का पावर जो n है वो क्या 0 पे ख़त्म हो सकता है, यानी 6 के पावर n अगर हम है तो उसमें क्या लास्ट में 0 आएगा। जैसे मान लीजिए कि 6 का पावर 1 रख रहे हैं तो यहाँ 6 आ रहा है, 6 का पावर 2 रख रहे हैं तो 6 × 6 यानी 36 आ रहा है, इसी तरह 6 का पावर 3 रखेंगे तो 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू 216 आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या इसमें कभी लास्ट में जैसे 6 का पावर कुछ ऐसा कभी हो सकता है, कोई भी नंबर ऐसा हो सकता है जिसको 6 का पावर में रखने पर अगर लास्ट में 0 आ जाए। तो सबसे पहले कोई भी नंबर होगा, जैसे अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तभी आएगा, किसी भी नंबर के लास्ट में यानी अंत में या यूनिट डिजिट का है,
जीरो तभी आएगा जब वो 10 से गुना हो, जब वो 10 में उसमें 10 से गुना हो या 10 कहीं हो। तो अगर हम लोग लास्ट में किसी नंबर के लास्ट में जीरो तभी आ सकता है जब वो 10 का प्रोडक्ट हो, और 10 का मतलब होता है कि 2 × 5, 10 का फैक्टराइजेशन करने पे 2 × 5 आना चाहिए। तो एक ऐसा नंबर जिसको फैक्टराइज करने के बाद से कहीं ना कहीं अगर उसमें 2 × 3 आ रहा है, सॉरी 2 × 5 आ रहा है कहीं भी, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 40 दे रहे हैं, तो 40 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आएगा 2 × 2 × 2 × 5। तो ये देखिए कहीं ना कहीं हमारा आ रहा है। उसी तरह अगर हम 30 को डिवाइड फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 3 × 5, ये यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं 2 × 5 के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे हम उसी को चीज़ को हम लोगों को देखना है कि क्या 6n के लिए n का कोई ऐसा वैल्यू होगा जिसको रखने पे 6n में उसका वैल्यू होगा जिसको रखने पे ये जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले 6n को हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए n, और फैक्टराइज कर रहे हैं तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हर हाल में हमें 2 × 3 आएगा, पावर n आएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो तभी आ सकता है जब वो किस फॉर्म में हो, 2 × 5 × n के फॉर्म में हो। और यहाँ 6 का जो फैक्टराइजेशन है, यानी फैक्टर्स ऑफ 6 यानी 6 के जो गुणनखंड हैं वो 2 × 3 के रूप में आ रहे हैं। ये जो हैं, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 × m × 5 × n। यानी यहाँ लिखेंगे 6 का गुणनखंड जो है 2 × m × 5 × n के रूप का नहीं है, अतः इसके अंत में कभी जीरो नहीं आएगा। इस टाइप के और भी सवाल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे इसी सवाल को खुद से बनाए फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × + 5। ये नंबर को बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्या यह नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर 7 × 11 × 13 + 13, और फिर हमारा है एंड 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 7 × 11 × 13 को दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारा ओवरऑल यहाँ बचेगा, दोनों में से हम अगर 13 को कॉमन कर लेते हैं तो 13 × 7 × 11 इधर बचेगा और इधर बचेगा +1, तो ये हमारा हो जाएगा 13 × 11 = 77 और 1 = 78। यानी ओवरऑल इसको हम देख रहे हैं तो 13 × 78, और इस 78 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, भले ही 13 न हो लेकिन 78 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे हो गया 2 × 3 × 13, तो इस तरह से यह एक कंपोजिट नंबर है, यह एक प्राइम नंबर नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें भी हमें कहीं ना कहीं अब जब ध्यान से गौर से देखेंगे तो इसमें भी 2 × 5 है। इन 5 को हम लोग सबसे पहले कॉमन कर लेंगे, बाकी नंबर्स जो हैं वैसे ही रह जाएंगे। तो चलिए हम 5 को कॉमन कर लिए, इधर बच गया 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और इधर बच गया कुछ नहीं तो 1, तो +1 लिख देंगे। ओवरऑल ये हमारा 5 × 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, हम गुना करेंगे 6 × 4 = 24, और या फिर हम यहाँ से गुना कर लेते हैं 6 × 4 = 24, और 24 × 2 = 48, और फिर 48 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 8 × 3 = 24, 4 × 8 = 2, 4 × 3 = 12, 14, 144 हो जाएगा। यानी कि 6 × 6 = 36, 36 × 72 = 144।
144 यहाँ तक हुआ और ये प्लस वन है तो 145 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा ये जो है इसका कैलकुलेशन करने के बाद से आएगा 5 × 145, और 145 को भी फैक्टराइज किया जा सकता है। अगर इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो हमें मान लीजिए कि अगर 5 से ही कटा रहे हैं, 145 को हम 5 से लेके जा रहे हैं, 5 × 10, 4 × 5 = 45, तो ये 29 बार में 5 × 29 जा रहा है, तो 5 × 5 × इसको ओवरऑल इस चीज़ को हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो हमारा 5 × 5 × 2 आ रहा है। इसको जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो हमारा 3 × 13 आ रहा है। तो ओवरऑल ये दोनों के दोनों नंबर जो दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर ही हैं, प्राइम नंबर नहीं है, और ये इस एक्सप्लेनेशन के जरिए सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है हर एक तरह के लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें एक सर्कुलर पाथ है, सानिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव्स अराउंड द फील्ड, इस फील्ड के चारों तरफ, फिर रवि जो है 12 मिनट लेता है, उसके बाद से ये दो ही आदमी हैं जो ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन दिए रहते हैं सेम डायरेक्शन में ये दोनों दौड़ रहे हैं, तो फिर आफ्टर हाउ मिनट्स दे विल मीट अगेन। अगर मान लीजिए कि यहाँ से सानिया और यहाँ से रवि दोनों ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से दोनों दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, सानिया भी और रवि भी दोनों, तो दोनों अगर अभी यहाँ पर हैं तो फिर कितने टाइम के बाद ये दोनों फिर से एक साथ मिलेंगे, ये क्वेश्चन यही है। तो दोनों फिर कितने टाइम्स के बाद दोनों मिलेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि एक सर्कुलर पाथ पे कोई दौड़ रहा है और कब मिलेंगे, या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि कहीं पे कोई बेल बज रहा है, एक बेल बज रहा है 5 मिनट पे, दूसरा 10 मिनट पे, तीसरा 15 मिनट में, चौथा 20-20 मिनट पे बज रहा है, और सारे बेल अगर अभी मान लीजिए 10 बजे बजे हुए हैं, 10 AM में सारे बेल एक साथ बजे हुए हैं, तो फिर कितने देर के बाद ये दोनों सारे बेल एक साथ बजेंगे, या कितने बज के कितने मिनट पे ये सारे बेल एक साथ बजेंगे। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आ सकता है आपको कि कोई लाइट है, ट्रैफिक लाइट है, मान लीजिए एक लाइट ए है, एक लाइट बी है, एक लाइट सी है, ये तीन लाइट हैं, तीन लाइट अगर ये 10 सेकंड पे, ये 20 सेकंड और ये 30 सेकंड पे जल रहा है, और लाइट अगर 10 बज करके 15 मिनट पे जली हुई है, तो फिर अगली लाइट एक साथ, ये अगले बार मतलब कितने किस टाइम पे ये तीनों लाइट एक साथ जलेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हम लोग LCM ही निकालते हैं और ये LCM से ही सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 18 and 12 और ये ट्रैक पे चल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 18 and 12 का हम लोग LCM निकालेंगे, तो हम लोग 18 and 12 का LCM निकालेंगे, तो हमारा आएगा 2 9 = 18 और 2 6 = 12। फिर हम लोग इसको 3 से ले जाएंगे, 3 3 = 9, 3 2 = 6, ओवरऑल हमारा LCM आ रहा है 2 × 3 × 3 × 2 यानी 36, यानी ये 36 मिनट्स के बाद ये दोनों एक साथ फिर हो जाएंगे, एक साथ मिलेंगे। इस टाइप्स के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए 3 लाइट हैं, लाइट 1 और लाइट 2 और लाइट 3, ये 10 मिनट पे जल रहा है, ये 20 सेकंड पे और ये 30 सेकंड पे जल रहा है, और ये तीनों लाइट अभी 10 बज करके 15 मिनट पे चल रहे हैं, तो फिर तीनों लाइट कब जलेंगे। उसी तरह कोई बेल बज रहा है, मान लीजिए ये बेल बज रहा है, बेल 1 बज रहा है, बेल 2 और बेल 3, इस तरह से 4-5 भी हो सकते हैं, बेल 1 बज रहा है, ये सारे बेल एक साथ बजे हैं 12 बजे, मान लीजिए दोपहर के 12 बजे बजे हैं, और ये पहला बेल जो बज रहा है वो जो है 30-30 मिनट पे बज रहा है, दूसरा बेल बज रहा है वो 40 मिनट पे बज रहा है, तीसरा बेल जो है वो 50 मिनट पे बज रहा है, तो फिर ये कब तीनों बेल एक साथ बजेंगे अगर अभी 12 बजे तीनों एक साथ बजे हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियोज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें,
और साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हम किस तरह का कोई इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोज लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।